बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहे, इतिहास कभी बदल नहीं सकता है। रोहित शर्मा विराट कोहली पर पूरा भरोसा है कि आज पाकिस्तान को हराकर फिर पाकिस्तान भेजेंगे। आज अगर फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया को आती है तो उम्मीद है कि 342 वो मारे थे और 400 का टारगेट देने का काम करेगी। 150 रन पर बुक करेंगे और 0 विकेट पर हम लोग पाकिस्तान को हराने का काम करेंगे। आज बहुत ही स्पिन के तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज को धूल चटाने का काम करेंगे। आज आज सब मारेंगे, आज नेपाल का भी बदला आज लेगा इंडिया। सबसे ज्यादा आज बैटिंग पे बोलिए तो रोहित शर्मा का भरोसा है और बॉलिंग पे बोलिए तो मेरे पास फोटो भी है जसप्रीत बुमराह का और मेरे पास बॉल भी है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, उससे पहले पटना का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना में दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहे हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मंदिर में आए हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि आज का जो मैच है वो इंडिया जीते। हम इसे बात करने का कोशिश करते हैं, क्या कुछ होगा आज, आज मैच कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। हाँ, कौन सबसे अच्छा खेलेगा? विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम जीतेंगे। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहे, इतिहास कभी बदल नहीं सकता है। हाँ, कैसे इतिहास नहीं बदलेगा, एक बार तो पाकिस्तान से हम हार चुके हैं। वो तो एक बार कभी कभी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, कभी इतिहास बदल नहीं सकता है। अच्छा, कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। क्या लग रहा है सबसे अच्छा कौन खेलेगा? विराट कोहली। और अगर विराट कोहली के अलावा और कौन? रोहित शर्मा। आप तस्वीरें देखिए, छोटा सा बच्चा है, हाथ में बुमराह का तस्वीर लिए हुए मंदिर में पूजा यज्ञ के लिए आए हुए हैं। हम इसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पूजा यज्ञ कर रहे हैं, क्या कारण है? आज हम माता रानी के मंदिर में आशीर्वाद लेने का काम करें। जिस तरह से भारत पाकिस्तान का आज मैच है, आज माता रानी से आशीर्वाद किए हैं कि भारत जीते और फिर 140 करोड़ जनता भारत का फिर जश्न मनाए और पाकिस्तान का धूल चटाने का काम करें। आज हम रोहित शर्मा विराट कोहली पर पूरा भरोसा है कि आज पाकिस्तान को हराकर फिर पाकिस्तान भेजेंगे। बॉलर में कौन अच्छा खेल सकता है? बॉलर में 3-4 हमारे बॉलर है को उनसे भरोसा है कि आज बॉलर भी कमाल करने का काम करेंगे, पाकिस्तान को बीच वाला विकेट उड़ाने का काम करेंगे हमारे बॉलर। क्या उम्मीद लग रहा है, कितना रन बना सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान को 150 रन पर बुक करेंगे और 0 विकेट पर हम लोग पाकिस्तान को हराने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा आज बैटिंग पे बोलिए तो रोहित शर्मा का भरोसा है और बॉलिंग पे बोलिए तो मेरे पास फोटो भी है जसप्रीत बुमराह का और मेरे पास बॉल भी है। आज बहुत ही स्पिन के तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज को धूल चटाने का काम करेंगे आज बुमराह। हाँ बिल्कुल लेगा, नेपाल तो अभी नई टीम है, नेपाल नई टीम है, लेकिन इंडिया से आज बड़ी कड़ी चुनौती है पाकिस्तान को भी। आज देखना होगा कि मुकाबले में इंडिया बहुत अच्छे करेगी और जीत के लाएगी। आज अगर फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया को आती है तो उम्मीद है कि 342 वो मारे थे और 400 का टारगेट देने का काम करेगी टीम। आज इंडिया जीतेगा। क्या कारण है कि इंडिया जीतेगा, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? उसमें देख रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा अच्छा पहले से भी खिलाड़ी है, जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गया, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शुभम गिल, सब अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, आज सब मारेंगे। आज नेपाल का भी बदला आज लेगा इंडिया, नेपाल का भी बदला लेगा। आज पाकिस्तान भी सोचेगा क्या बोले बनाने के लिए, क्या हुआ, नेपाल का बदला इंडिया लेगा। हाँ, और पाकिस्तान भी आज सोचेगा रन बनाने के लिए, आज इंडिया इतना मारेगा ना, बाबर नहीं चलेगा, बाबर आजम का बाबा निकल जाएगा, बाबा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लड़की है हमारे साथ, किस कारण से आई हो? देखिए, छोटा छोटा बच्चा है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और ये सभी का दुआओं कर रहे हैं कि आज इंडिया मैच जीते और एक बार फिर से इतिहास रचे, और यही कारण है कि पटना में दुआओं का दौर इस वक्त चल रहा है। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।